कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, आज चने के बाजार से कैसी खबरें आ रही हैं। तो चने के बाजार में दोबारा से खरीद बढ़ने लगी है। दाल मिलों की खरीद की वजह से शाम के सत्र में चने के भाव में सुधार आया। व्यापारियों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में चने का उत्पादन अनुमान ज्यादा है, जिसके कारण कीमतों में हल्की सी नरमी दर्ज करी गई। हालांकि ऑस्ट्रेलिया से नया जो चना है वो नवंबर में भी आएगा। खपत का सीजन होने की वजह से घरेलू बाजार में चने दाल जो बेसन है उसमें ग्राहकी बनी हुई है, मांग भी बनी हुई है। व्यापारी बड़ी गिरावट के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। नीचे दाम पर बिकवाली अभी थोड़ी सी कमजोर है। वहीं दाल मिलों के पास बकाया स्टॉक भी सीमित मात्रा में बचा हुआ है। उत्पादक राज्यों में अच्छी क्वालिटी के मालों की किल्लत है। वैसे भी प्रमुख उत्पादक राज्यों की मंडियों में दैनिक आवक जो है चने की वो स्टेबल है, सीमित है। और रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो दिल्ली में राजस्थान लाइन के चने के जो दाम देखे जा रहे हैं वो 35 रुपए तक बढ़कर 7,900 से 7,910 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास है। इस दौरान मध्य प्रदेश लाइन के चने के दाम 35 रुपए तक तेज होकर 7,850 से 7,760 रुपए के बीच आपको यहां से बाजारों में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल चने के बाजार में बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। रेट काफी अच्छा है, खरीदारी करने के हिसाब से अगर आप बाजारों में खरीदारी करना चाहते हैं तो जरूरत के हिसाब से आप यहां से गिरावट पर चने के मार्केट में खरीदारी फिलहाल जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।